आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में स्वागत है। जैसा कि भोले बाबा की सेवा हमें करनी चाहिए और भोले बाबा की सेवा श्रावण महीने में विशेष रूप से होती है, उसमें भी जो नाग पंचमी का उत्सव प्राप्त होने जा रहा है, हम लोगों को सोमवार के दिन 5 अगस्त को तो नाग पंचमी भी है। अपने आप में नागों की पूजा के लिए बहुत बड़ा दिन माना जाता है। जैसा कि मैं पहले भी कई लोगों को बता चुका हूँ, जिनके कुंडली में नाग दोष है, काल सर्प दोष है, उनको जो है अवश्य रूप से पूजा करना चाहिए। पर एक बहन ने पूछा कि जो है ये जो है किसी ने आजकल क्या है कि लोग मिसगाइड बहुत करते हैं। जैसे आपको दिखाया जाता है कि आप ये फलानी शीशी ले जाइए और आप दौड़ने लगेंगे, आपका बच्चा लंबा हो जाएगा, जबकि ये होता है कि जो बच्चे खेलते कूदते हैं वो उससे उनका विकास ज्यादा अच्छा होता है। और जो घर का भोजन है वो हमारे सभी अंगों का पोषण करता है। ऐसे ही हम सामान्य रूप से शिव जी की पूजा अपने घर में करें तो जो बड़ी पूजा हो गई सामान्य रूप से हो ही नहीं पाती है, अथवा भक्ति से भगवान बड़ा करा लेते हैं। तो कोई भी हमारे जीवन में दुख है, संकट है, जैसे हम जाकर के अपने माँ बाप से कहते हैं तो सबसे अच्छा हल हमारे माँ बाप उसका निकालेंगे, अथवा हमारे बड़े भैया छोटे भैया जो भी हमारे लोग हैं हमारे हितैषी हैं वो हमको सही मार्गदर्शन देंगे। वो कभी नहीं कहेंगे जाके पिज्जा खाओ और तुम्हारा अच्छा शरीर हो जाएगा, वो कभी नहीं कहेंगे। ऐसे जीवन में कोई भी संकट है, इसलिए एक परमानेंट आचार्य होते थे, पुरोहित होते थे, आज के जमाने में भी हैं, जैसे हमारे पर्सनल डॉक्टर फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमको सही सलाह देते हैं। अपवाद रूप ब्राह्मण भी डॉक्टर भी दरोगा भी कुछ परसेंट सब लोग कम है, उनकी कलयुग ज्यादा उनमें व्याप्त है। और सामान्यतः जिनका रोज आना जाना करना है वो एक दूसरे के भले के लिए सोचते हैं। तो ऐसे अगर हमारा काल सर्प दोष है तो हमें उसके लिए अच्छी बात है आचार्य पुरोहित को बुला करके पूजा करें। कई दोषियों ने ये भी लिखा है कि बताया है कि आप चांदी का नाग अथवा तांबे का नाग ले जाकर के दान कर दो। अब उन दोषियों को किसी की निंदा करना उचित नहीं है, कहीं कुछ रहा होगा, पर ऐसे दान करने से ऐसे वो करने से जय जय श्याराम कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। समझ लोग समझते नहीं है, बिना समझ करके करते हैं बताते हैं तो आधा अधूरा। आप एक चांदी का नाग लेने जाएंगे बहन, कम से कम असली चांदी का 500-700 के नीचे नहीं मिलेगा, बाकी जो नकली मिलेगा वो आपको 100-150 में मिलेगा, लेकिन वो 10 रुपए की कीमत का होगा। पर असली नाग आप चांदी का नाग लोगे, छोटा भी लोगे, 500 के आसपास नहीं होगा। आप उनका जोड़ा लोगे तो आपका 1000 रुपया हो गया, हुआ ना बहन। उसकी अपेक्षा आप छोटी सी पूजा अपने घर में शिव जी को स्वयं शिव जी को रख करके उनके ऊपर जो सर्प आप लाए हो, जो दान करने के लिए किसी ने कहा है और आपके दिल में बैठ गया है कि हमें दान करना है, हमारा संकट दूर हो जाएगा, तो आप अपने घर के शिव जी के ऊपर उनको रखिए, शिव जी के साथ स्नान करा दीजिए, चंदन लगा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, धूप दीप कर दीजिए, और कच्चा दूध जो है नागों को प्रिय है अथवा ठंडा दूध रख के उसमें धान का लावा रख करके थोड़ा चीनी डाल करके और उसका भोग लगा दीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, सारा संकट जो है दूर हो जाएगा, वो नाग जागृत हो जाएगा, बाद में आप विसर्जन कर सकते हैं। पर उससे अच्छी बात यह है कि बुलाने की जरूरत नहीं है, दान करने से ऐसे कुछ नहीं होना है। दान करेंगे विधिवत ढंग से करेंगे तभी जा करके उसका लाभ होगा। तो विधिवत कैसे होगा कि आप एक आचार्य पुरोहित को, जैसे सामान्य दवाई हम स्वयं खा लेते हैं, पर इंजेक्शन लगाना सर्जरी करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमको यहाँ पर एक कीली गाड़ना है, हमको नहीं अनुभव है, हम ड्रिल लगाएंगे कि चलो हम 50 रुपया मिस्त्री लेगा बचाएंगे भैया, लेकिन वो दीवार हमारा ज्यादा गहरा हो जाएगा। अगर हमें अनुभव है तो ठीक है, नहीं हम उसके लिए लोगों को बुलाते हैं। ऐसे हर कार्य के लिए व्यक्ति बनाए, कितना अच्छा भोजन लेकर आ जाए, भोजन सामान खरीद लाए, बनाने वाला अनाड़ी हो तो जय जय सियाराम सब खराब हो जाएगा। तो हमें समझने की बात है, अगर ऐसा आपको करना है तो आचार्य पुरोहित को बुलाकर कीजिए, नहीं स्वयं अपने घर में जो शिव जी हैं उन पर पूजा करके हम नाग का दान अगर खरीद लाए तो कर सकते हैं।
नहीं आपने 500-700 या नकली में ही लिए होंगे तो 200-250 का मिला होगा। तो कहीं मंदिर में जाइए, घर में शिव जी नहीं है, शिव जी के मंदिर में जाइए। जैसे शिव जी को जल चढ़ाते, नाग को भी जल चढ़ा दिए, चंदन फूल धूप दीप नैवेद्य पूजा करके, आधा परिक्रमा करके, प्रणाम करके और मंदिर में ही अर्पण करके आ जाइए। अथवा पुजारी जी को दक्षिणा के साथ लेते हो तो उनको दे दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। पर ये जो छोटे मोटे टोटके लोग बताते हैं इनसे हमें बचना चाहिए। सबसे अच्छी बात है जैसे अपने भारतीय परंपरा में कहा गया है, सुबह उठिए, अगर रात में लेट से सोए तो देर उठिए कोई बात नहीं, स्नान कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए और घर के जो भगवान है 5 मिनट उनके साथ बैठिए, माता पिता के साथ बैठिए, उनका जो आशीर्वाद मिलेगा हमारे लिए हर रूप में हितकारी होगा। इसी तरह से आप जो है थोड़ा भी रोज पूजा करते हैं आपकी हर रूप में वो रक्षा करते हैं। इसलिए घर में नित्य भगवान की पूजा होनी चाहिए, संध्या में आरती होना चाहिए, आरती में पूरे घर के लोगों को उपस्थित रहना चाहिए। वो आरती चाहे छोटी ही आरती हो, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय गणेश देवा कर दीजिए, जो आपका दिल करे, पर सबको भोजन और भजन साथ में होना चाहिए, इससे हमारा प्रेम बढ़ता है। मेरे अपने जीवन का यह है कि ये होना चाहिए नित्य। सुबह तो सब हड़बड़ हड़बड़ लगा रहता है, तो संध्या वेला में नित्य होना चाहिए, तमाम सारे संकट आपके अपने आप दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें टोटकों से बचना चाहिए। जो अपना असल है कि हम नित्य भगवान की पूजा करें, सप्ताह में एक दिन ही सही मंदिर जाए, रोज जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसी में हमारा परम कल्याण होगा। जय श्री राम। तो भगवान ने अवसर दिया, आज हम लोगों ने सेवा किया है और ऐसे भगवान आप लोगों से सेवा कराते